हेलो, मेरा नाम विशाल है और मैं आज सह्याद्री ट्रेल सीकर्स के साथ एक्सपेडिशन मतलब ऑफ रोड ट्रेल के लिए आया था। और मेरा इनके ग्रुप के साथ ये एक्चुअली ऑफिशियली फर्स्ट ट्रेल था। मैं इनके साथ अनऑफिशियली बहुत बार गया हूँ एंड ऑफिशियली इनके साथ आना वॉज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये ग्रुप हमेशा साथ में रहता है। इवन दो 30 लोगों का ग्रुप था, हम लोगों ने किसी को पीछे नहीं रहने दिया। हम लोगों ने ऐसे नहीं किया कि कोई पीछे रह रहा है तो हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। हम लोगों ने एक दूसरे को साथ में ही रख के, किसी को कुछ हुआ तो हम लोग, मैंने अभी आते आते दो बार लोगों का मडगार्ड ओपन करके दिया, एक टायर में हवा भर के दी। हम लोग अभी ट्राई करने वाले कि एक जो टायर पंक्चर है वो फिक्स करके जाए। तो दिस इज़ ये पूरा कम्युनिटी इन्होंने बनाया है और ये कम्युनिटी साथ में ही रखते हैं, ये एक दूसरे को साथ में लेके ही चलते हैं। और बहुत ही अच्छा ग्रुप है इनका एंड आई वुड सजेस्ट, अगर इफ़ आप नए राइडर हो या फिर आप बहुत एक्सपीरियंस राइडर भी हो, आपको कम्युनिटी की ज़रूरत होती है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते और ये कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट मैंने जिनके साथ राइड किया है। तो आई वुड सजेस्ट कोई अगर कोई राइड को आना चाहता है या फिर कोई किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो सह्याद्री ट्रेल सीकर्स को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और आपका बाइक कौन सा था? मेरा बाइक एक्सपल्स 200। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। या हेलो पीपल, माय नेम इज़ मोहित एंड आई एम फ्रॉम पुणे इटसेल्फ। सो आई ओन अ KTM एडवेंचर 390 एंड मोस्टली आई डू टूरिंग। सो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम इन दिस ग्रुप फॉर दी ऑफ रोड, बट आई आस्ट वन ऑफ द मेम्बर ओवर हियर दैट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, शुड आई कम ऑन ऑन। सो ही वॉज लाइक, ब्रो तू आ जा, तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा एंड वी आर ऑल देयर, सो डोंट वरी, तू आ जा बस। सो मैं यहाँ पे आ गया, देन मैंने जो एक्सपीरियंस किया दैट वाज नेक्स्ट लेवल, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे एक्सपीरियंस राइडर्स है और मुझे लगता है कि मैं अभी तक 10% भी नहीं हूँ उसमें, बट उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया है मुझे, तो वो 10% से कब 90% तक गया मुझे पता नहीं चला। सो दैट वॉज रियली अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम दीज गाइज एंड या आगे, मतलब अभी तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड नाउ कि मैं आगे और इनके साथ कुछ ट्रेल्स करूँ और आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। ओके, एंड कितना ट्रेल था एक्चुअली किलोमीटर्स में अगर अंदाजा लगाया जाए तो? किलोमीटर्स अगर देखा जाए तो अराउंड 20 किलोमीटर्स कुछ था। ओके, 15 to 20 किलोमीटर्स, मतलब मैंने ट्रिप नहीं किया था बट अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स तो ऑलमोस्ट हो गए, क्योंकि आई थिंक इट वॉज अ क्लाइम ऑन अ हिल एंड देन हिल टॉप से आप वापस। सो वी वेंट ऑन अ हिल एंड देन वी एंटर्ड अ फॉरेस्ट एंड इट वॉज रियली टफ इन सर्टन पार्ट्स। तो वहाँ पे मतलब इन लोग का जो कोऑर्डिनेशन था और जो हेल्प किया इन लोग ने सब, मतलब कोई भी अगर पीछे नहीं छूटना चाहिए एंड हर एक प्लान था, मतलब सब कुछ, मतलब जितने भी पिट स्टॉप्स है तो वो सब पिट स्टॉप्स प्लान थे पहले से, ताकि कोई नया राइडर है या फिर कोई भी हो मतलब, तो ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो एंड ही शुड एंजॉय द राइड। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई जस्ट फिनिश्ड दिस great experience and we started in the morning around 6:30 and fir hum log yahan pe aaye, breakfast kara, then we left for the trail and we entered the trail and there was a lot of rocks, muck and you know, all steep hill climb and you know, all going down and so my experience was great and the team very helpful, everybody was extremely helpful, like it's like leave no man behind. Okay, and you keep going. Achha. And when you look everybody like when you look around everybody's doing it, so you get the josh, you know, you just go with it, throttle it up and just go, and it's fun. It's it was a very good experience. So hi riders, mera naam Samir Faluk, मैं एक ग्रुप से बिलोंग करता हूँ एंड वी हैव फॉर्म दैट ग्रुप, उसको ग्रुप का नाम है सह्याद्री ट्रेल सीकर। ठीक है, आज तक आपने देखा रहेगा कि लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है, लेकिन वो चल के जाते हैं, ठीक है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन जहाँ लोग चल के नहीं जा सकते वहाँ पे आपका बाइक लेके जाना, दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओके, अभी ये ग्रुप में हमारे करीबन 700 लोग हैं, ठीक है, और ये हम ऐसे इवेंट करते रहते हैं और मोस्टली अब हमारे जो इवेंट रहते हैं वो पुणे के आसपास रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली
पुणे है जो ब्लेस्ड बाय सह्याद्री. ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इफ यू आर ओनली फ्रॉम पुणे, आप पुणे से हो तो ही ज्वाइन कर सकते हो. नहीं, आप कहाँ से भी हो, आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. द मेन पर्पज है कि एक्सप्लोर द हिल्स. ओके, हिल्स आप एक्सप्लोर करते हो चल के, लेकिन एक अलग एक्सपीरियंस लेना है तो कभी बाइक पे एक्सप्लोर करके देखो, ऑफ रोडिंग करके देखो, और आपको एक पता चलेगा जब आप ऑफ रोडिंग करते हो और सुबह सुबह निकलते हो घर से और जो हवा लगता है आपके चेस्ट को, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद यही होता है कि आपका टेंशन है ना निकल जाता है. तो आपको लगता रहेगा कि नहीं यार बाइक ड्राइविंग से क्या होगा, एक बार ज्वाइन करके देखो, फिर मैं बोलता हूँ कि यू विल नेवर डिसअपॉइंट. ये मेरा कलीग है एक्चुअली, इसने ग्रुप फॉर्म किया था, प्रदीप पवार. ये इंट्रोडक्शन. सो हाय गाइस, मेरा नाम प्रदीप है एंड वी आर फॉर्मिंग ग्रुप फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स. सो पहले हमारा एक्चुअली स्टार्ट थोड़ा सा दो लोगों से हुआ था, देन दो के चार हुए, देन अब हमारे ऑलमोस्ट 700 प्लस मेम्बर्स है इंक्लूडिंग ऑल और ऑल मतलब स्टेट. सो बेसिकली आज का जो हमारा इवेंट था, जैसा कि अभी बाकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप के बारे में समीर भाई ने आपको वैसे बोला ही है. अब अगर उसने एक पॉइंट छोड़ा कि अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, एक्सप्रेस पुणे करके हमारा पेज है. सो आपको बस वहाँ पे जाना है, डीएम करना है कि प्लीज़ ऐड मी इन ग्रुप एंड सेंड योर व्हाट्सअप नंबर. सो हम लोग आपको ऐड कर लेंगे. तो आज का जो इवेंट था हमारा बेसिकली कि एक ऑफ रोड के रिलेटेड था. अभी एक देखा जाए तो आज की लाइन मतलब डे में कि ट्रैवलिंग जो थे बहुत कम हो गई लोगों की. अभी लोगों को कुछ चाहिए ना कि शॉर्ट टर्म में मतलब मॉर्निंग में गए या नाइट में रिटर्न आ गए, और थोड़ा जो एक अलग क्रेजीनेस चाहिए एडवेंचर एक्सप्लोर करने के लिए. अभी बहुत सारे लोगों ने ट्रेक भी करा हुआ है पहले एंड बहुत सारी चीज़ें कही हुई है, तो अभी लोगों का एक माइंड सेट चेंज होगा कि अभी कुछ नया करना है या कुछ एक्सप्लोर करना है. तो आज का हमारा वही पर्पज़ था कि मोस्टली हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं. सो जो ऑफ रोडिंग के लिए लोग इनकरेज नहीं है या मतलब आना चाहते हैं उसके लिए, उनके लिए हम लोगों ने इवेंट रखा था आज का. एंड आज का अगर देखा जाए तो हमारा ऑलरेडी मतलब पहले जो हमारे इवेंट्स होते हैं तो उसमें 100+ रजिस्ट्रेशन होते हैं, बस ये टेरेन के लिए हमने बस 30 राइडर्स का लिमिटेशन रखा था, बिकॉज ऑफ की थोड़ा सा जो टेरेन है आज का बहुत एक्सट्रीम लेवल था, इसके लिए ज़्यादा क्राउड हम लोग मैनेज नहीं कर सकते इस चीज़ों में. और ऑफ रोडिंग में यही है ना कि आप जितना कम क्राउड लेके जा सकते हो उतना बेटर रहता है. सो दैट्स वाई कि हमने ये 30 लोगों के लिए रखा था और बहुत ग्रेटफुली ये सक्सेसफुली हुआ, विदाउट फॉल, विदाउट एनी इंजुरीज ये हमने डन किया है. तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी ऑफ रोड एंथुसियास्ट है तो आप हमारे पेज को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे एंड जस्ट आपका नंबर डीएम कीजिए. ओपन फॉर ऑल बाइक्स. सो बाइक्स सह्याद्री ट्रेल सीकर्स है, हमने बाद में फाउंड किया था जो एक्सपर्ट पुणे मेरा लिमिटेड एक्चुअली ओनली फॉर हीरो. जो सह्याद्री ट्रेल सीकर्स है ओपन फॉर ऑल, यू कैन ज्वाइन अस विथ स्प्लेंडर और BMW. सो आप मतलब बेस से लेकर टॉप तक हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो. तो थैंक यू सो मच आपका भी हमारा टाइम देने के लिए, और आपने भी आज एक्सपीरियंस करा हुआ है हमारे साथ, आपको कैसा लगा? सो मैं तो राइडर नहीं हूँ, बट मैं मेरे दोस्त के साथ आया था, हमारी SUV लेके हम लोग आए थे क्योंकि हमको भी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस करना था. बट आई सॉ दैट देयर सपोर्ट, उनका जो सपोर्ट है वो अच्छा है, तो नए राइडर हैं वो भी आप उनके साथ आ सकते हैं. तो ऑनेस्टली मुझे लगा वो अच्छे बंदे हैं, तो इसके लिए मैं इसका वीलॉग अभी अपने चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो जरूर इनको ज्वाइन कर सकते हैं सह्याद्री ट्रेल सीकर्स. yes. तो मैं इनका इंस्टा का जो आईडी है वो सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और दिखा भी दूंगा आपको, यू कैन ज्वाइन देयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. साइनिंग ऑफ.